हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं हूं आपका नवीन सर और आज जो है एकदम मज़ेदार टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पाठशाला में। तो चलिए मिलते हैं अपने टॉपिक पे। निम्न पूर्णांकों के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखना है, ठीक है? क्या क्वेश्चन कहता है? माइनस पाँच और पाँच के बीच में कितनी संख्याएँ हैं? ये तो एकदम मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है? तो हम इसको जानने के लिए ना एक संख्या रेखा को खींचेंगे और उस पर अंकित करेंगे कि मेरा जो है नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है? ये भी इधर बढ़ेगा और ये भी हमेशा आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? यहाँ पे जो है 0 होगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसी तरह से हम लोग लाखों करोड़ों तक बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए कि यहाँ पे 5 और 5 के बीच में कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी होगी ना। बस इसी को लिखना है, ठीक है? इसी को लिखना है। ये मिडिल पॉइंट हुआ और इसके इधर वाले दोनों को जोड़ देना है, ठीक है? तो अब 5 और 10 के बीच में कितनी संख्या है उसको हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ -5 तो है ही, चलिए दूसरा कलम ले लेते हैं। यहाँ पे जो है सो -5 तो है ही, ठीक है? उसके बाद -4, -3, ठीक है? -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और तब फिर 5, ठीक है? इसके बीच कितनी संख्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या हुई टोटल को लेके, ठीक है? अब देखिए -6 और -2 में के बीच कितनी संख्याएं होंगी, ठीक है? तो -6 लिखा एक बार, चलिए लाल से ही लिख देते हैं। -6 लिखा एक बार, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे -5, उसके बाद लिखेंगे -4, फिर लिखेंगे -3, फिर लिखेंगे -2, ठीक है? क्या लिखेंगे? -2। अब देखिए -6 और -2 के बीच में इतनी संख्याएं आएगी, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, ठीक है? -7 और 7 के बीच में देखिए कितनी संख्या आ रही है। अब देखिए -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, इसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 संख्या है, ठीक है? अब क्या कहता है इसके और इसके बीच, तो इसके इसके बीच कितनी संख्याएं होगी? पहला प्रश्न में देख लेते हैं। बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ लिख देंगे 9, ठीक है? इसके बीच, इस दोनों के बीच 1, 2, 3, यहाँ लिख देंगे 3। अब इसके इसके बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी पूर्णांक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 13, ठीक है? -2 और 8 के बीच, ठीक है? तो -2 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बीच कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 = 9। अब देखिए -4 और -10 के बीच, ठीक है? -4 और -10 के बीच, ठीक है? तो माइनस देखिए -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। अब इसके बीच कितनी संख्याएं हो गई? 4 और 10 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, ठीक है? तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर दिक्कत हो तो, नहीं समझ गए तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से जो है पूर्णांक जो है इस तरह से बीच के संख्याओं को निकाला जाता है, जिसमें माइनस और प्लस दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या अगर होती है तो इस तरह से इसका जो है बीच का निकाल करके हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आई होप। आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।